स्टूडेंट्स, अब मैं इनवर्स मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम अभ्यूह, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे प्रतिलोम। इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। जैसा कि संख्याओं के साथ होता है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 के बराबर हो तो वे एक दूसरे का प्रतिलोम संख्या कहलाते हैं या व्युत्क्रम कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है इनवर्स मैट्रिक्स। तो परिभाषा क्या कहता है कि टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी सेड टू बी इनवर्स मैट्रिक्स टू ईच अदर इफ ए बी इज इक्वल टू आई। ये आई है, आई मतलब आई जो है वो इंडिकेट कर रहा है यूनिट मैट्रिक्स का। कहता है कि जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स का गुणनफल एकांक अभ्यूह प्राप्त हो या यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो तो वे मैट्रिक्स एक दूसरे का प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाते हैं या इनवर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। जब AB इज इक्वल टू R, इसलिए इसे A इनवर्स पढ़ेंगे, A इनवर्स बराबर B। उसी तरह से B इनवर्स बराबर A, यानी A का प्रतिलोम B इनवर्स और B का A इनवर्स। एक बार फिर से, टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी सेड टू बी इनवर्स मैट्रिक्स टू ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, अर्थात उनका जो गुणनफल है वह एक यूनिट मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त हो तो वे एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको कहेगा कि फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि A के बराबर है, ये टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका मैं इनवर्स मैट्रिक्स यानी एक ऐसा मैट्रिक्स प्राप्त करना है जिससे इसको मल्टीप्लीकेट करूं तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल है, वो एक यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो। तो इसका जो प्रोसेस है एक इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त करने का, ये देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन के माध्यम से इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त करता हूं। तो A इज इक्वल टू आई ए, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसमें हम यूनिट मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो उतना ही रहेगा। या अब क्या करना है अगले स्टेप में कि A बराबर जो दिए हुए हैं इसको लिख दीजिए 3 7 और I जो कि एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है, जब आप पिछले वीडियो में डिफिनेशन देखते होंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, शेष एलिमेंट 0 हो, यूनिट मैट्रिक्स कहलाते हैं। इतना लिखा जाएगा। अब इसके बाद आपको ये कोशिश करना है कि ये जो लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स दिख रहा है वो एक यूनिट मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाए। तो इसके लिए हम इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन के तहत यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स लाने के लिए डायगोनल एलिमेंट 1, रेस्ट एलिमेंट 0। तो यहाँ पे पहले से ही 1 है। तो जैसा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला चैप्टर में आपने सीखा था कि सुविधा के हिसाब से रो कॉलम को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये है 1 2 और 3 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1 A। तो चूंकि ये पहला डायगोनल एलिमेंट 1 है, अब दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस कॉलम में जो शेष एलिमेंट बच रहा है इसे 0 लाना है। तो एलिमेंट्री ऑपरेट करके इसको 0 लाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहां पे R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस 3 R1, यानी यदि मैं R1 में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 घटने के बाद 0। अगला एलिमेंट क्या होगा उससे अंतर नहीं है। तो इस तरह से चेंज करेंगे
चेंज कर रहे हैं, इसलिए आर वन जो है यूनिटी रहेगा। अब ये थ्री है, थ्री आर वन, तीन घटता है तो जीरो, ये सेवन है और आर वन में आप तीन से गुणा करते हो तो तीन गुणा छह सात, छह घटता है तो वन। और ठीक यही कंडीशन इधर भी लागू होंगे, आर वन यू ही रहेगा, आर टू चेंज करना है तो ये आर टू माइनस थ्री आर वन, जीरो से तीन घटता है माइनस थ्री, और यहाँ पर फिर देखिए वन से जीरो में तीन से मल्टीप्लाई तो जीरो ही रहेगा, ये रहा वन इनटू ए। अब देखता हूं कि डायगोनल एलिमेंट वन वन हो चुका, रेस्ट एलिमेंट शून्य में एक एलिमेंट कम है। अब मैं इस एलिमेंट टू को शून्य बनाने की कोशिश करूंगा और यहां पर सोचना है कि इसे में क्या किया जाए कि ये भी जीरो हो जाए। तो एक और एलिमेंट भी ऑपरेट करता हूं, इस टाइम आर वन को चेंज करते हैं, आर वन माइनस टू आर टू, आर टू में दो से मल्टीप्लाई कर आर वन से घटाते हैं तो ये देखिए वन टू माइनस टू ए जीरो रहा, आर वन में टू आर टू तो वन, जीरो में दो से मल्टीप्लाई करोगे वन और दो, दो से तो बढ़ता है जीरो, और इस टाइम आर टू यू ही रहेगा। ठीक इसी तरह से यहां पे भी ये रहा माइनस छ, वन से माइनस छ घटता है तो ये रहा सेवन, फिर जीरो से टू घटता है माइनस टू माइनस थ्री वन इनटू ए। तो वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन, तो ए बाई तरफ देख रहा हूं कि इसका डायगोनल एलिमेंट वन, शेष एलिमेंट शून्य हो गया। अब इसके बाद यहां हम देखते हैं तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स को शो करता है, इसलिए इसके जगह यहां पे मैं आई, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट वन है, शेष एलिमेंट शून्य है, आई। अब इधर रहा सेवन माइनस टू माइनस थ्री और वन इंटू ए। तो जैसा कि इनवर्स मैट्रिक्स की डिफिनेशन में था कि जब दो मैट्रिक्स का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स हो तो दूसरे का व्युत्क्रम कहलाते हैं, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स ये दोनों का गुणनफल आई आ चुका, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू सेवन माइनस टू माइनस थ्री वन, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो ए इनवर्स बराबर मेरा ये प्राप्त होगा, और ये जो मेरा सवाल था कि ए बराबर यानी इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ए हो गया, तो अब जो इसका परिभाषा था कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल आई हो तो दूसरे का व्युत्क्रम कहलाते हैं, तो यदि इसको और इसको गुणा करो तो मुझे आई मिलना चाहिए। हालांकि ये जांच करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसे टेस्ट करके दिखाता हूं। ए ए इनवर्स बराबर ए बराबर कितना, वन टू थ्री सेवन इंटू ए इनवर्स कितना है, सेवन माइनस टू माइनस थ्री वन, तो इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, वन इंटू सेवन तो सेवन, टू इंटू माइनस थ्री तो माइनस छ, जैसा कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, ठीक उसी तरह से पहला दो दूसरा कॉलम माइनस टू और ये टू से वन में तो प्लस टू, दूसरा रो पहला कॉलम ट्वेंटी वन, सेवन से माइनस थ्री ट्वेंटी वन, फिर इससे इसमें करते हैं तो माइनस सिक्स प्लस सेवन, यहाँ पर देखिए सात से छः घटता है वन, ये कैंसिल जीरो जीरो और ये रहा वन, तो इस प्रकार आज तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब है कि दूसरे का व्युत्क्रम है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये उदाहरण समझ में आया होगा और आगे आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भेजेंगे, मैं पूरा पूरा मदद करूंगा। धन्यवाद।